महाराष्ट्र यानी कि महान देश। महाराष्ट्र की गिनती भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र को संतों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ के रिचुअल से जो कई सालों से चलते आ रहे हैं, महाराष्ट्र में ईश्वर को अलग अलग रूप में अलग अलग स्थानों पे श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। चाहे ईश्वर कोई भी हो, उसके प्रति आस्था और विश्वास का होना सबसे जरूरी है। अगर विश्वास मन में हो तो संघर्ष करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर ईश्वर पे विश्वास हो तो जीवन में आने वाली हर मुसीबत पार हो या ना हो, पर उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज की कहानी है महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित एक ऐसी मंदिर की, जहाँ पे हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहानी है गाँव वालों की आस्था की, जो सदियों से चलती आ रही है। सह्याद्री की घाटी में कई गाँव है जो प्राचीन सभ्यताओं की विरासत को संरक्षित करते हैं, और उनमें से एक है पालेकरवाड़ी। यह गांव महाराष्ट्र के सातारा जिले के पाटन तालुका में स्थित है। यह सातारा शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव की उत्तर की ओर पहाड़ों की तलहाटी में श्री निनाई देवी का मंदिर है। यहाँ पे जो भी लोग मन्नतें मांगते हैं वो सब पूरी हो जाती है। मंदिर के निर्माण के बारे में गाँव वालों के द्वारा एक कहानी बताई जाती है। प्राचीन समय में देवी का मंदिर पहाड़ की चोटी पर था। मंदिर तक पहुंचने के लिए गांव से एक रास्ता था जो कि घने जंगल से होकर निकलता था। सह्याद्री के पहाड़ इतने घने होते हैं जहां सूरज की किरणें जमीन पर बहुत कम ही पहुंच पाती है। गांव में एक व्यक्ति था जिसकी देवी के प्रति आस्था सबसे अधिक थी। वह हर मंगलवार को देवी की पूजा करने के लिए खड़ा पहाड़ चढ़कर जाया करता था। बारिश, जंगली जानवर और बढ़ता हुआ जंगल, ऐसी चीज़ों का सामना करते हुए उस व्यक्ति ने पूरी लगन से पूजा की। कुछ वर्ष बीत गए और जैसे जैसे उस व्यक्ति की उम्र बढ़ते गई, उसका पहाड़ पर चढ़कर जाना मुश्किल होता गया। एक दिन व्यक्ति ने देवी को अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा कि अभी से मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊँगा। उस व्यक्ति की सच्ची आस्था देखकर देवी ने उसको ऐसा वरदान दिया कि अगर तुम मेरी पूजा करने पहाड़ चढ़कर नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हारे पीछे पीछे गांव तक आ जाती हूँ, तुम सिर्फ चलते रहना। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। उस व्यक्ति ने देवी का आशीर्वाद लेके पहाड़ से नीचे उतरना चालू कर दिया। कुछ समय बाद वो एक मैदान पर पहुंच जाता है तो उसको पीछे से बड़ा पत्थर नीचे की ओर आते हुए की आवाज़ सुनाई देती है। वो व्यक्ति बहुत डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक बड़ा पत्थर रुका हुआ दिखाई देता है। उसी शिला को आज बड़ी आस्था से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने एक बड़ी शिला का रूप धारण कर लिया और पहाड़ की चोटी से नीचे आ गई। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। आज भी छोटा सा मंदिर पहाड़ की चोटी पर है, वहाँ पे भी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। प्राचीन काल का मंदिर बहुत पुराना था, अभी एक नया मंदिर गाँव वालों ने मिलकर बनाया है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। अगर आप यहाँ पे मानसून में आओगे तो मंदिर के साइड में छोटे छोटे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। श्रावण मास में यहाँ पे यात्रा रहती है। प्रसाद के स्वरूप में खीर दी जाती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप एक ऑफबीट लोकेशन प्लान कर रहे हैं तो इस मंदिर को एक बार जरूर विजिट करना। यहाँ पे कैसे पहुँचना है इसकी पूरी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो जरूर चेक करना। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।